कान में ईयरफोन डाल देना, फिर मत कहना कि ये बोला था ये बोला था, वरना पहले जाओगे घर पे कोई देख लेगा। कान में ईयरफोन डाल दो, उसके बाद वीडियो को शुरू करो। संभोग के प्रकार देखे हैं आपने कितने होते हैं? दो प्रकार के संभोग होते हैं, एक में हम ऊपर होते हैं, एक में हम नीचे होते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो तीसरे प्रकार का संभोग ढूंढ लिया है। यहाँ पर पता नहीं क्या करना चाहते हैं, ऊपर रहे बिना नीचे रहे बिना हमारे साथ संभोग कर रहे हैं यूरोप मंत्री टू के मेकर्स। ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई थी तब कुछ नियम के साथ में यहाँ पर भेजा था, कुछ तो इस तरह के नियम होने चाहिए। ना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करो, सुनने के लिए कान का इस्तेमाल करो, सुनने के लिए नाक ना इस्तेमाल करो, इस तरह के नियम थे। आपको अगर बच्चे पैदा करना है तो संभोग करना पड़ेगा। लड़की बच्चा पैदा कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते हैं, ये सब प्रकृति थी। लेकिन इन सालों ने तो प्रकृति के साथ खिलाड़ भी किया है। भगवान को मानते हो? एक बार माफ कर दिया, दो बार माफ कर दिया, फिर से लगे आगे। पहली फिल्म बनाई थी जब आपने हीरोपंती, तब हमें सोचा था कि बच्चा है, टाइगर श्रॉफ बच्चा है, कृति सेनन बच्ची है, तो चलो ठीक है माफ कर देते हैं। थिएटर तक गया था मैं, 120 रुपए टिकट दी थी। क्यों दी थी? छोटे बच्चे थे, बॉलीवुड में नए नए आए थे, मुंह दिखाई के तौर पर 120 रुपए मैंने खर्च कर दिए और हीरोपंती का पहला भाग देख लिया। लेकिन क्या दिया आप लोगों ने? क्या हुआ मेरे साथ पता है आपको? थिएटर तक गया था मैं, साला सो गया था 120 रुपए में एसी में। रुको जरा, सबर कर। फिर उस समय के बाद, कुछ समय के बाद ऐसी क्या खुजली मची आपको कि आपको पार्ट टू बनाना था? आप लोगों ने अनाउंस कर दिया, हमने बोला कि चलो ठीक है अच्छी फिल्म होगी, पोस्टर रिलीज कर दिया, पोस्टर देखे भी लगा कि चलो ठीक है कुछ अच्छा होगा, फाइटिंग होगी, पोस्टर भी कॉपी कर लिया हॉलीवुड मूवी से, कोई बात नहीं हमने माफ कर दिया। फिर दूसरा पोस्टर आया हीरोपंती टू का, हमने माफ कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है फिल्म बना रहा है देख लेंगे। उसके बाद ट्रेलर रिलीज किया, हक दिया पूरा, इतनी बास मार रहा है, इतनी बास मार रहा है अपना हगा हुआ कि आज तक उसकी बासी आ रही है, अभी सूखा भी नहीं है। तो वहां पर आपने उसका गाना रिलीज कर दिया विशल बाजा 2.0, जो पहले हगा हुआ था वो सूखा नहीं है, उसके ऊपर दूसरा हक दिया। क्या जरूरत थी ये करने की? प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग, ये मैं आपको बता दूं। भगवान आपको भी माफ नहीं करेगा, अगर कानून माफ कर देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान माफ नहीं करेगा। और भगवान ने भी माफ कर दिया तो हमारे बच्चे आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। चलो पूरा गाना सुनने के लिए मेरा 100 MB डेटा है वो आपने ले लिया है, मुझे वापस चाहिए मेरे 100 MB डेटा। ये आपकी आखिरी गलती थी, अब सीधा सीधा फिल्म रिलीज कर दो। अब इसके बाद कोई गलती हुई तो मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा और फिल्म का रिव्यू भी नहीं करूंगा। बता देता हूं मैं पहले आपको, फिल्म का पोस्टर है वो हॉलीवुड से चुरा रहे हो, फिल्म का जो गाना है जो म्यूजिक है वो पुराने हिंदी फिल्मों से चुरा रहे हो, अपना खुद का क्या है, क्या ओरिजिनल बनाया है आप लोगों ने आज तक? AR रहमान सर का खाना खाम नाम जो खा कर रहे हो सब मिलकर, चरम सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो छोड़ दो, क्यों करना है ये सब? थक जाओगे, बीमार हो जाओगे। कोई जेकी दादा को बोलो अपने बच्चे को संभाले, किसने छुटा दिया है इसको? फिल्म के नाम पर नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग, फिल्म के नाम पे हक देते हैं, पूरा थिएटर बास मारता है। किस तरह की फिल्म बनाते हो आप लोग? दिमाग का भाजीपाला कर दिया है। कल वो गाना आया था विशल बजा 2.0, क्या नाम है इसका, देखा है आपने वो गाना किस तरह से गाना है, वो कहां पर कड़िया जा रही है, कहां पे म्यूजिक जा रहा है और उसमें वो म्यूजिक डाल दिया टू 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 टू, और ऐसी भी बात थी कृति सेनन को डाल दिया उसमें, वो भी डांस कर रहे हैं ऐसे 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 करके। किस तरह से ऐसे बनाओगे बॉलीवुड, ऐसे फिल्में बनाते हो? सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, इससे अच्छा होता कि आप कहीं और काम कर लेते, सुधर जाओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट डाल देना, अपना ओपिनियन डाल देना। धन्यवाद।